हेलो दोस्तों, सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी दिशा आचार्य के साथ 18 तारीख को हो गई। इसके बाद आज बारात वापस आई सनी देओल के घर पर। इसके बाद आज दादी यानी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपने पोते और पोते की बहू का जमकर स्वागत किया। आपको बता दें, हेमा मालिनी ने ही करण और दिशा आचार्य की आरती उतारी और वहीं पर करण देओल की बुआ भी मौजूद थी। दोस्तों, आज करण देओल और दिशा आचार्य की स्वागरात है। इसके चलते धर्मेंद्र ने अपने पोते को टिप्स देते हुए और टांग खींचते हुए कहा कि स्वागरात से पहले दूध पी लेना। इसके बाद पूरा परिवार हंसने लगा और आपको बता दें, गृह प्रवेश में पूरे परिवार ने मिलकर डांस किया और शादी होने के बाद सभी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए करण और दिशा की फोटो शेयर की। आपको बता दें, काफी लंबे समय के बाद देओल परिवार में खुशियां लौट कर आई हैं। पूरे परिवार में आपसी मतभेद चलता रहता है, पर इस शादी के चलते पूरा परिवार एकजुट हो गया। बहुत सारे मतभेद भी सुधर गए। शादी के बाद धर्मेंद्र ने कहा कि मैं कुछ दिन अपने पोते के साथ ही रहना चाहता हूं। आपको बता दें, धर्मेंद्र सनी देओल से अलग रहते हैं अपने फार्म हाउस पर। दोस्तों, धर्मेंद्र बहुत ही खुश हैं इस शादी के चलते, क्योंकि इतनी सी उम्र में बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने पोते की शादी देख पाते हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।